गुड मॉर्निंग गाइस और आज देखिए कितना बड़ा सरप्राइज मिल गया है मुझे यहाँ पर सामने चूचू आई पड़ी है और गाइस इतना ही नहीं यहाँ पर देखिए ये तो मैं का चार्ल्स है मतलब गाइस ये पूरा चार्ल्स आपको लिटरली में लोहे से बनाए लिटरली में आयरन से बनाए बाकी ये वाला चूचू चार्ल्स तो नॉर्मल ह्यूम की बॉडी टाइप से बनाए और बाकी देखिए यहाँ पर टोन स्टॉक थ्री हंड्रेड हो गया है आज तो तो फ्रैंकलिन छप्पन छुपाई के खेल में हारेगा मेरे पास पूरी आर्मी है तो किस किस का ढूंढेगा गाइज इन सभी ने मुझे

ट्रिली में बिल्कुल भी नहीं था पता नहीं आइस गॉड यहाँ पर क्यों आया है पर खैर छोड़ो मुझे आइस गॉड से क्या है मुझे तो जल्द से जल्द यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा सबको काइज हमें सबसे पहले छोटे लोगों को ढूंढना शुरू करना चाहिए क्योंकि छोटे लोग ना ज़्यादा मुश्किल है ढूंढने मुश्किल वाले लोगों को ढूंढूंगा तो आसान वाले तो मिल ही जाएंगे क्योंकि बड़े लोग तो ज़्यादा कहीं छुप नहीं पाएंगे पर छोटे लोग कहीं भी छुप सकते हैं आप प्लीज़ यार कोई भी आपको यहाँ पर दिखे ना एक मिनट काइस ये पटाखे क्यों फूट रहे हैं भाई जिम वाले एरिया में अरे रे यार लगता है गाइस इसके अंदर कोई तो छोपा पड़ा है जो पटाखे पटाखे फोड़ रहा है मेरा ध्यान भटकाने के लिए लेकिन इससे तो उल्टा मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है अरे बाप रे मेरी आंखों में चमक लग रही है आ, मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है एक मिनट दोस्तों मैं काम करता हूँ यहाँ आस देख लेता हूँ अगर कोई भी यहाँ पर आपको दिखे तो प्लीज बताना मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ मैंने अपनी आंखों को बचा रखा है अरे बाघ बंगले यहाँ से दोस्तों यार पता नहीं किसने पटाखे फोड़ रखे हैं पे इतने सारे आंखों में चमक लग रही है लिटरली में तो गाइस मैं ही कह रहा था कि असल यार डेढ़ मिनट चला भी गया एक मिनट गाइस कुछ बच्चे लिख रहे हैं वहां पर रेड का बच्चा है कहां पर गाइस इसके अंदर अगर आपको कोई रेड का बेबी दिखाता थ्री एडियट टाइप का तो प्लीज कमेंट में यस लिखो लिखो बाप रे अल कैसे ढूंढ लिया आपने मेरे को ओके गाइस हमने रेड के बेबी को ढूंढ निकाला क्या बात है गाइस इसी ने यहाँ पे पटाखे लगा रखे थे जिससे कि मैं देख ना पाऊं लेकिन आप सभी ने तो देख लिया बहुत ही कमाल का हो गया गाइस अभी भी आप मेरी टीम में नहीं आए हो तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो को जरूर आ जाना और कॉमेंट में जरूर बताना आपको कोई भी देखे चलो गाइस एक काम करते हैं गार्डन वाले एरिया में चलते हैं क्या पता उधर कोई ना कोई हमको मिल जाए uh <laughs> <clears throat> नहीं यार इधर तो कोई भी नहीं है दोस्तों देखिए यहाँ पर एकदम खाली पड़ा है दोस्तों मुझे क्या लग रहा है कि असल में ए, दूसरी तरफ गार्डन के भी तो हो सकता है कोई चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ गाइस वैसे यहाँ पर तो इतनी सारी झाड़ियाँ और कुछ है नहीं नहीं यार दोस्तों इसमें कौन छुपेगा कोई छोटा सा नहीं गाय जो छोटा बच्चा था मैंने उसको ढूंढ लिया बाकी तो सब बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पर और कौन छुप सकता है वैसे अगर यहाँ पर कोई आपको दिख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में उसका नाम जरूर लिखना बाकी मुझे तो कोई दिख नहीं रहा लाइट लिटरली में अरे भाई मैं गायब हो गया यहाँ से भागो ओके दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी पता नहीं ने क्यों लगवा दिया पर खैर छोड़ो गाइस काम करता हूँ क्यों ना हम बेसमेंट की तरफ जाए क्या पता बेसमेंट में आयरन मैन के सूट्स के पास के छुपाओ क्या पता टोनी स्टॉक छुपाओ गाइस बहुत ही सही हो जाएगा एक मिनट आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ एक मिनट गाइस आप सभी में से कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि उनको ब्लू हल्कस्टर दिखा कहां पर गाइज ठीक से जगह बताओ फिर उसके बाद पता चलेगा देखिए पर ये कुछ टाइल्स ऐसा नहीं लग रहा है जैसे वॉल से आउट हो देखिए चारों तरफ की टाइल्स ठीक है बट ये वाली टाइल्स मुझे आउट लग रही हैं पता नहीं क्यों हो हो सकता है फिर कंस्ट्रक्शन का, का काम चल रहा ए, इसको तोड़ के देखते हैं क्या हो पता है रास्ता हो गुफा हो भाई कुछ भी हो सकता है वो तो टूटी नहीं गाइज कोई सामान चाहिए मुझे तोड़ने के लिए दोस्तों यहां पर मैंने ढूंढ लिया कुछ भी मिला नहीं ओ माई गॉड ये क्या हो रहा है भाई ऐसा लगता है भाई किसी ने जान बूझ कर यहाँ पर बिजली

और ठीक से जगह बताओ फिर यहाँ पर मैं उसको छोड़ने नहीं वाला हूँ बाकी तो गॉइस यहाँ से मैं निकलता बाप रे बहुत जोर का करंट लग रहा है यार फाइनली मैं बाहर आ गया एक मिनट दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि उनको यहाँ ब्लू हल्क बस्टर दिखा था यार मैंने पहले भी पढ़ा था लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर है गार्डन के पास गार्डन के पास और गार्डन तो यही है गॉइस कहीं यहीं पर तो ब्लू हल्क बस्टर नहीं है काम करता हूँ गोली मार गया अरे यार फ्रेंकलिन अब कैसे ढूंढ लिया तू मुझे ओके गॉइज ये ब्लू हल्क बस्टर क्या बहुत है मैंने ब्लू हल्कस्टर को ढूंढ गाइस फाइनली ब्लू हल्बस्टर की तो यहां पर मैंने अच्छी खासी बैंड बजा ली लेकिन अभी तक मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि असल में इस रेड बोर्ड में कौन है भाई बड़ा सा बोर्ड है यार वहां तक जाने के लिए भी मुझे हेलीकॉप्टर या प्लेन लगेगा और बाकी गाइज आइस गॉट क्या कर रहा है दोस्तों तो चलो आपका काम करता हूं मैं ही पढ़ लेता हूँ बच्चे लिख रहे हैं कि उनको मैका दिखा था मैका मैका वो है जो की पूरी बॉडी लिटरी में आयरन से बनी है और वो कहां पर दिखाता है एग्जैक्टली बताओ

सारी चीजों को लाएगा क्यों मुझे क्या कराए दोस्तों इसके पीछे कोई तो छुपा हुआ है गाइस मैं इसके आगे जाने की कोशिश करता हूं अरे बापरे Yeah, मैं इसको दूंगा, तोड़ दूंगा टूट जा गाइस पे रेलिंग के पाइप्स भी हैं और साथ साथ में भाई ग्लास भी हैं। Guys, मुझे लग रहा है कोई तो यहाँ पर है। एक काम करता हूं, यहाँ पर ये मारता हूँ गोली ये ये कौन है, भाई? निकल। अरे कौन है? मेरे पास मत आवाज आई गाई गाई गाई, मैं ये ले। अरे पकड़ा गया ओके गाई गाई गाई। अरे जोर से लग गई दोस्तों सामने देखिए ये

आइडिया क्यों ना मैं वहां पर अपने ड्रोन से देखूं वो है क्या काइज आपको कौन लग रहा है यार वो मेरे को तो ठीक से दिख नहीं रहा है कायज अगर कोई है वो कोई मतलब हमारा गेम खेलने का कोई मेंबर है जो हो सकता है guys, वो आयरन मैन का सूट हो या फिर ब्लैक फ्रेंकलिन भी तो हो सकता है गायज वो कोई भी हो सकता है आप उसका नाम लिखो फिर उसके बाद हम आइस गॉर्ड तक जाने की कोशिश करेंगे बस मुझे कोई हेलीकॉप्टर मिल जाए या फिर उड़ने का या जेट या आयरन मैन का सूट फिर हम उसके बाद यहां पर आइस गॉर्ड तक जाएंगे और पता करेंगे कि असल में वहां पर छुपा हुआ कौन है चलो गायस मैं अंदर आ चुका हूँ लैब में और यहां पर अरे हाँ याद आया यार ये टाइल भी तो थी गाइस देखिए ये पूरे एरिया से आउट हुई पड़ी है मैं काम करता हूं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर करता हूं गाइस अगर इसके पीछे कोई भी आपको दिख रहा है तो प्लीज कमेंट में एक बार उसका नाम लिख दो बाकी मैं इस टाइल को तो तोड़ने तो की कोशिश करता हूँ ये, ये। क्या कर रहा है मिनट भाई मुझे आवाज आई टोनी स्टाक और अरे इसके अंदर गाइस टोनी स्टाक है लिटरी में आपको भी अगर ऐसा लगता है तो कमेंट में येस लिखो गाइस देखते हैं कितने बच्चे जीते हैं कितने हारते हैं अरे बापरे यार क्या करूं आइडिया मैं ना इस कार से इन टाइल्स को तोड़ दूंगा टोनी स्टाक अब तो पक्का टोनी

एक सिक्स आर्म रेड रिवेंचर हल्क भी है भाई वो पता नहीं कहां पर छुपा पड़ा है बहुत हो गया दोस्तों अब मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा एक मिनट गाइस बच्चे लिख रहे हैं आइस गॉड के पास ब्लैक फ्रेंकलिन है आइस गॉड के पास व्हाट अगर गाइस ऐसा है तो कमेंट में प्लीज यस लिखो बाकी ब्लैक फ्रेंकलिन अगर उधर है तो मुझको छोड़ने नहीं वाला हूँ में हम उसको ढूंढेंगे और हम यहाँ पर जीत कर रहेंगे क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा बुरी धमकी दी है की ब्लैक ब्लैक सा मुझे डॉट वहाँ पर तो दिख रहा है लेकिन आइस पे चढ़ना यार बेवकूफी होगी हे आइस अबे अब फ्रंटलाइन परेशान मत कर मैं मार दूंगा अरे बापरे गाइस ये तो गुस्सा एक मिनट ये क्या है गाइस

लेफेंगे अब तो बचेगा नहीं अबे नहीं रहने नहीं अरे मार दिया

अगर मैं इस कोट को ऐसे हटा दूं, तो ये बाहर खुद निकल जाएगा लेकिन आइस कोट को हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है भाई उसके लिए मुझे कुछ चाहिए बाकी गाइस हम इस रेड बोर्ड के ऊपर जाकर देखें क्या क्या एक मिनट गाइस ये बाइक और वाह, गाइस आइडिया कि ना मैं यहाँ पर बाइक से इतनी लंबी जंप लगाऊँ जिसके इस्तेमाल से मैं डायरेक्ट उस और गाइस ये कैसी बाइक यार ओ भाई एक बार देखो इसको तो आग लगा रही है गाइस और ये तो जंप भी मार सकती है और गाइस अभी आप इस बाइक का मैजिक देखो